हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सनस्क्रीन जेल का रिव्यू करने वाले हैं जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड में है। जो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूरी सच्चाई जो है सनस्क्रीन जेल की, जो कि दोस्तों मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड में है। कैसे रहते हैं इसके रिजल्ट, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, 15 दिन यूज करने पर कैसे रिजल्ट मिलते हैं, और दोस्तों इसका सही तरीका क्या है यूज करने का, और इसके नुकसान क्या होते हैं स्किन पर, कंप्लीट इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। सबसे पहले बात करेंगे पैकेजिंग प्राइजिंग। तो गाइस, ये 30 SPF में अवेलेबल रहती है और इसकी पैकेजिंग 120 ml की होती है। प्राइजिंग की अगर बात करें तो 240 रुपये के आसपास का प्राइजिंग रहता है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं कुछ डिस्काउंट के साथ। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो देखिए, ये UVA UVB सन प्रोटेक्शन से स्किन को डैमेज होने से बचाती है और सूर्य के हानिकारक किरणों से हमारी स्किन को सुरक्षित रखने में मदद करती है, और जो हमारा चेहरा धूप के कारण सांवला हो चुका है उसको ये फेयर बनाने का काम करती है। इसका यूज 15 साल से बड़े गर्ल्स बॉय दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और इसको डे यूज किया जा सकता है। कम से कम 2 बार यूज करना चाहिए 4-4 घंटे के अंतराल पर, अगर आप ज़्यादा धूप में निकल रहे हैं तो, वरना एक बार भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग 15 दिन में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा इस्तेमाल धीरे धीरे आप इसको करते हैं गाइज 2-3 मंथली, तो आपकी धीरे धीरे स्किन हल्की हल्की वापस से ब्लैक ब्लैक होने लग जाती है। इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे इरीटेशन, खुजली होना, ऐसे साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं फ्रेंड्स। अब बात करें इसको कब कैसे यूज करना चाहिए। तो आप इसको अगर धूप में नहीं निकलते हैं तो आप इसको बिल्कुल कम मात्रा में अप्लाई करें, और एक दिन छोड़ के एक दिन भी यूज कर सकते हैं। ऐसे आप इसको लंबा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 1 मंथली या 2 मंथली तक भी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।